आँखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। घर आँखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हमको मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। घर आँखों में सपने हाँ इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। आपके सारे पेपर्स तैयार हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस आप अपने सिग्नेचर इस पर कर दीजिए। मतलब वकील साहब, ये सिग्नेचर हो जाने के बाद ये सारे पैसा हमें मिल जाएंगे, राइट? नहीं नहीं, थोड़ी कानूनी कार्रवाई करनी बाकी है। आपके साइन के बाद मैं वो कानूनी कार्रवाई पूरी करूंगा, और उसके बाद आपको अपने पिता मिस्टर नानावटी से 25 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मतलब ये सारे पैसे हमें कब तक मिलेंगे? मिस्टर समीर, ये पैसे आपको सीधे नहीं मिल सकते। इसके लिए पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, और वो पैसा उस कंपनी के नाम ट्रांसफर। हाँ हाँ, राइट। वकील साहब, वैसे मैं 3 कंपनियां बनाने की सोच रहा हूँ। पहली मेरे नाम समीर एंसन्स, दूसरी मेरे बेटे अक्षय के नाम, और तीसरी मेरे नाम पर। नहीं नहीं पर, हम तुम्हारे नाम कोई कंपनी नहीं खोल सकते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। जाने बहाने क्यों बनाते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है तो क्या है? मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें। मिस्टर समीर, अगर आप इनके नाम कंपनी खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए वकील साहब, आप वही कीजिए जो आपको कहा जाए, हमारे निजी मामलों में टांग मत अड़ाइए। औरतें पता नहीं अपने आप को क्या समझती, आता तो कुछ है नहीं, बस हर मामले में टांग अड़ाती रहती। रिलैक्स, बताइए कहां साइन करनी है मुझे। ये बहुत मोटी डिजाइन है, मुझे कोई और डिजाइन बताइए। देखिए ना, ये बहुत सारी डिजाइने हैं, तरह तरह। ये कैसी रहेगी? ये आजकल ये डिजाइन बहुत चलती है। अच्छा, हाँ आप मानेंगी, आज मैंने 10 चेन का ऑर्डर दिया है इसी डिजाइन का, अपने कारीगर को बनाने के लिए। लेकिन ये अभी थोड़ी कॉमन हो गई है। अच्छा, मुझे ना काटिया की चेन चाहिए। काटिया, एक इसमें से देखिए। हाँ हाँ, ये देखिए, ये ठीक है। ये देखिए, ये 2 चेन बनवाइए। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब मैंने क्या क्या बोला आपको? देखिए, 2 कार्टियर की चेन, एक अंगूठी जिसमें पोखराज का नाम जुड़ा हुआ। पोखराज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल, और एक सोने का सेट। हाँ, सोने का सेट छोटा होगा तो भी चलेगा, 4 तोले तक। जी, और एक ब्रेसलेट लड़के के लिए। अच्छा, हाँ, और मैट फिनिश वाला ब्रेसलेट, लेकिन उसकी साइज नॉर्मल, वही जो लड़कों की होती है। ठीक है, ये सब मैं शुक्रवार को कलेक्ट करूंगी आपकी दुकान से। शुक्रवार भाभी? ठीक है, पन्ना भाभी आपको बुला रही है। अच्छा, मैं अभी आई। हाँ जी, ये रखिए। मैं देखू? तुम देखोगे? हाँ, गहने बनवाने क्या है? देखिए, मुझे गहने तो बनवाने हैं, पर मेरा बजट थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे डिजाइन्स हैं। बोलो क्या क्या बनवाना है तुम्हें? देखिए ना, चूड़िया है, गले का हार है, फिर कानों की बाली, टीका, एक मंगलसूत्र, ये सब मिलाकर कितने में होगा? चलो, हम तुम्हारे पास से हमारा मुनाफा नहीं लेंगे, फिर भी सोने का दाम और कढ़ाई ये सब मिलाकर
समझो कि 25-30 हजार में सारे गहने बन जाएंगे। 25-30 हजार? नहीं नहीं, ये तो मेरे बजट की बाहर की बात। आप एक काम कीजिए, अभी रहने दीजिए, फिर कभी। क्यों क्यों रहने दीजिए? नहीं महाराज, तुम्हें जो भी गहने बनवाने हो बनवा लो। नहीं, एक काम करो, गंगा के लिए गहने बनाना मुझ पर छोड़ दो, मैं डिजाइन पसंद करूंगी। नहीं माँ जी, आप गंगा के लिए क्यों? मेरा मतलब है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद ही बना लूंगा। वैसे भी आपके कितने एहसान है मुझ पर। महाराज, तुम मुझे क्या कहकर बुलाते हो? माँ जी। माँ जी तो उस नाते मैं तुम्हारी माँ हुई या नहीं, तुम मेरे बेटे हुए या नहीं, तो गंगा मेरी बहू हुई या नहीं, तो क्या मैं अपनी बहू के लिए गहने नहीं बनवा सकती? बड़ा आया हिसाब करने वाला। जा जा जा, जल्दी से खाना बना, सब लोग अभी चले आएंगे भूख भूख चिल्लाते हुए। जाओ जाओ। नमस्ते जौहरी जी, बड़ा अच्छा लड़का है जी। तो महाराज ने बुलाया था आपको गहने बनवाने? नहीं नहीं, सोनल भाभी ने बुलवाया था। अच्छा अच्छा, सोनल अपने लिए गहने बनवा रही है? नहीं, अपने लिए नहीं बनवा रही है। तो किसके लिए? इसमें ज्यादातर पुरुष के गहने हैं और एक आध छोटे बच्चे के लिए है। कह रही थी कि उनके परिवार के कोई दोस्त हैं, उनके लिए गहने बनाने हैं। वैसे शुक्रवार को आ रही है हमारी दुकान पे खुद गहने लेने के लिए। अजी, बहुत दिनों से आपकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया, तो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइने निकली है आजकल। आपने आपको देखना हो तो देख लीजिए। समीर कहाँ हो तुम? ओए समीर कहाँ हो तुम? अरे बाथरूम में होंगे, साहब नहा रहे होंगे। समीर जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इस वक्त नहा रहा है? अरे ये जो मेरे हस्बैंड है ना, वो कुछ कम नहीं है लड़कियों से, बल्कि लड़कियों से कुछ ज्यादा ही करते हैं। दिन में 3-4 बार नहाते हैं, वो भी पौने पौने घंटे तक। 45 मिनट्स? इतना ही नहीं, ऑफिस में भी अपना मुंह 3-4 बार मल के घिस घिस के धोते हैं। क्या बात कर रही हो? अरे यही है उसकी सुंदरता का राज। टिंग टांग। मुझे तो पानी से एलर्जी है, आई हेट वाटर। वहाँ अमेरिका में 2-3 दिन में 1-2 बार स्नान करता था। गौरांग? हाँ सीरियसली भाभी, वहाँ बफेलो में रहता था, इतनी ठंड होती थी हर रोज स्नान करना इम्पॉसिबल था। कभी कभी इसीलिए तुम्हारे बदन से बदबू आती है, शायद वो लड़की ने इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। क्या बात कर रही है भाभी, जैसे पहली नजर में प्यार होता है ना, वैसे ये पहली नजर में धिक्कार था। बच्चू, उसने डायरेक्टली तुम्हें कह दिया कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये वाला रिएक्शन मत दो, अंगूर खट्टे वाला। अभी दिल्ली में उसे देखते ही ऐसा लगा कि ये रॉन्ग नंबर है। ऑफ कोर्स लाइन नहीं चाहिए था। आई नो, उसे देखते ही ऐसा लगा कोई नेगेटिव फीलिंग्स हो गई थी मुझे। हाय समीर। हाय गौरांग, हाय, कहो कैसी रही तुम्हारी? हाय, इट वाज टेरिबल, लेकिन बहुत मजा आया। आई नो। हेलो भाभी, तुम्हारा रिएक्शन देख के तो ना मैं हंसी नहीं रोक सकती थी। ओ माय गॉड, इट वाज टू मच। तो और क्या करता, मैं देखने गया था एक अच्छी लड़की को, लेकिन देखने मिली सर्कस की रिंग मास्टर, जो अपने हंटर के हर इशारे से मुझे नचाना चाहती थी। यू आर रियली टू मच गौरांग। थ्री मच। तो अभी ये प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया। एब्सोल्युटली, हम फिर से वहीं के वहीं आकर खड़े हो गए, बैक टू स्क्वायर वन। अभी आपकी कोई बहन या कजन नहीं है जिसे आप मुझे मिलवा सको? शर्त एक ही है। क्या? वो आप जैसी होनी चाहिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। वेल दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन है मेरी एक कजिन, खूबसूरत भी है और स्मार्ट भी है। ऑफ कोर्स मेरे जितनी तो नहीं है, लेकिन 26 साल की है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अरे फिर मिलवा दीजिएगा, दैट्स ग्रेट। वेल उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? उसकी शादी हो चुकी है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार मिलवा तो दीजिए, फिर देखना उसकी शादी को कैसे डिवोर्स में बदलता हूँ। तुम बहुत ही शरारती हो, शायद इसीलिए सबको पसंद आते हो। तो इस बात पर गरम गरम चाय हो जाए। ओह नो, मैं इतनी थक चुकी हूँ। मैंने क्या, मैं मेरे डार्लिंग हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। समीर प्लीज, महाराज को जाकर कहोगे, इतनी फेवर करोगे प्लीज। क्या तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है या हिमालय चढ़ कर आई हो जो इतना छोटा काम तुम नहीं कर सकती? क्या तुम खुद महाराज को जाकर नहीं कह सकती? सुनो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर फरमाइश और हुक्म सुनता रहूं, समझी तुम? सोनल, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी। चलो अच्छा है, मैं भी सब्जी लेने जा रही हूँ, हम लोग साथ चलेंगे। माँ जी,
एक्चुअली मैं महेश के साथ जा रही हूँ, मैं महाराज को आपके साथ भेजती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे लेकिन महाराज आएगा ना आपके साथ? नहीं अभी तो उसकी रसोई बाकी है, बहुत सारे काम पड़े हैं। लेकिन सोनल तुम महेश के साथ बाद में नहीं जा सकती? नहीं वो अभी बस पहुंचता ही होगा। लेकिन हम भी तो आधे घंटे में वापस आ जाएंगे ना? लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, आधे घंटे तक वो बैठा रहेगा क्या? पर देखो सुनो, अभय को अभी आने में बहुत दिन बाकी नहीं है, तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या खरीदी करनी है उसके बारे में बात करनी थी, चलो ना। माँ जी अभय को आने में अभी बहुत देर है और महेश की शादी पहले है, उसका कोई खास है भी तो नहीं मदद करने वाला। तो तुम नहीं आओगी? आऊंगी लेकिन अभी नहीं। जैसे तुम्हारी। अभय तुम जल्दी आ जाओ तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हेलो। अरे तुम आ गए, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चले? हाँ पर मैं सोच रही थी कि पहले अगर ये तय कर ले कि क्या लेना है और कहाँ जाना है तो एक रूट फिक्स हो जाएगा। ये भी ठीक है। क्या लोगे, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं, रास्ते में कहीं पी लेंगे। ओके चलो। अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। माँ जी आप गए नहीं, बाद में जाऊंगे। अब बोलो बेटा क्या लोगे? कुछ भी। हाँ अच्छा ठीक है। अरे महाराज एक चाय लाना। तो कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। चलो अच्छा है, तुम लोग बातें करो, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। माँ जी क्या हुआ? मेरा बैठना अच्छा नहीं लगा। तो बेटा मैं क्या करूँ, तुम दोनों सीधे ही बेडरूम में चले आए तो मुझे भी आना पड़ा। अगर हॉल में बैठते तो मैं भी सब्जी लेने शायद चली जाती। सॉरी माँ जी, महेश मेरा दोस्त है और आप मेरे ही सामने उसका अपमान कर रहे हैं। देखो महेश, मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा इरादा तुम्हारा अपमान करना नहीं था और ना ही मैं तुम दोनों पर शक कर रही हूँ। लेकिन बेटा जरा सोचो तो, इस वक्त अगर अभय के पिताजी या बाहर का कोई यहाँ आ जाए और तुम दोनों को अकेला बेडरूम में देखे तो वो क्या मतलब निकालेगा? सोनल की बदनामी होगी और साथ साथ नानावटी खानदान की भी। I'm really sorry, माँ जी, मुझे इस तरह अंदर नहीं आ जाना चाहिए था। मैं जा रहा हूँ सोनल। अरे लेकिन महेश मेरे... माँ जी ये आपने क्या किया, मुझे बहुत बुरा लगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बेटी कुछ बातें ऐसी होती है कि बिना कहे ही अगर तुम समझ जाओ तो कहने की नौबत ही ना आए ना। और हाँ महेश को अगर बुरा लगा हो किसी बात का तो मेरी तरफ से दोबारा माफी मांग लेना बस। क्या भाभी आप भी, आप तो स्वामी की बातों में बिल्कुल आ गई। आई रियली कांट बिलीव इट, उसके कहने पर आपने खाना छोड़ दिया इतनी हद तक कि आपको चक्कर आ गए और आप ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। ओ माय गॉड। हंस लो, आज जितना मुझ पर हंसना है हंस लो तुम लोग। जिस दिन तुम्हें स्वामी जी की शक्तियों का एहसास होगा ना, उस दिन मैं अकेली हंसूंगी तुम सब पर। तब तक आप में एनर्जी नहीं बची होगी हंसने के लिए। क्या भाभी आप भी, ये सब नखरे, आज खाना छोड़ देना कल पानी छोड़ देना, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिसे जाकर जंगल में बैठना होता है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं जिसे इतना काम होता है। लेकिन मैं इतना काम कहाँ करती हूँ, घर में नौकर है, महाराज है। क्या भाभी आप भी, आप रिद्धि सिद्धि को संभालती है, आप सनत भैया का ख्याल रखती है और इसके अलावा भी घर में कितने छोटे मोटे काम होते हैं। लेकिन स्वामी जी ने मुझे बताया कि खाना खाने से क्या नुकसान होता है, खाना खाने से हमारे पेट में तेल मसाले सब चले जाते हैं, उससे हमारे दिमाग पर असर होता है, दिमाग में खरे खोटे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, ये दिमाग ही हर बुरे काम का घर है। भाभी मैं मानती हूँ कि ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है लेकिन दिमाग पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो तो जब तुम पर बीतेगी ना तभी तुम समझोगे। पता है ज्यादा खाना खाने से आयुष्य भी कम होता है। क्या बात कर रही है भाभी, मेरी मम्मी की दादी है ना अब भी जिंदा है,
96 ईयर्स की है लेकिन खुद का काम खुद करती है, बैंगलोर में समाज सेवा करती है और बच्चों को संस्कृत पढ़ाती है। बोलो इस उम्र में? हाँ, पता है इतने सालों से उनका एक फिक्स मेनू है खाने में, 4 रोटियां, 1 केला, 2 सब्जियां, 1 कटोरी दाल चावल और 1 मिष्ठान। 96 ईयर्स की है लेकिन उनके नाखून में भी कोई बीमारी नहीं है। बोलो पुराने जमाने की खुराक खाई है ना इसलिए, वरना आजकल का खाना खाकर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अच्छे विचारों के साथ इतना जी सके। क्यों, आजकल के खाने में क्या खराबी है भाभी? अगर ऐसा ही होता तो इतने लोग जिंदा ही नहीं रहते। आप भी क्या फालतू में आर्गुमेंट करती हैं? मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि आपके उस स्वामी का भांडा फूट गया। क्या? हमारे डिटेक्टिव्स ने उसकी असलियत ढूंढ निकाली है। भाभी वो फ्रॉड है, फ्रॉड वो स्वामी आपका। पता है नॉनवेज खाता है, गालियां बोलता है, लोगों को ठगता है और औरतों के साथ नाजायज संबंध रखता है। तुम स्वामी जी के बारे में कुछ मत कहो, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। अच्छा नहीं होगा ये। मेरा तो जो होना है वो होगा, लेकिन वो स्वामी का बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर आपको जानना है ना तो राजू से मिल लीजिए। राजू को आप मिलेंगे ना तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। राजू राजू शांति से काम लो, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने दो। अरे आप जो सवाल पूछ रहे, गोल गोल जवाब दे रहा इडियट। एक एक पैसा दे दे वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। और तू अंगूठी का पैसा निकाल, देखिए मेरा अपमान है। ये लड़का मुझे डोंगी कह रहा है, बेरुपिया कह रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही तो कर रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया, शायद तुम भी भूल गए। तुम्हारा तो 27 साल से मौन व्रत है, क्या हो गया? बिल्कुल सत्य कहा बेटे। हाँ तो आज क्या हो गया, बोलते बोलते मौन व्रत कर रहे हैं क्या आप? आज मुझे 27 साल का मौन व्रत इसीलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि आपने मेरा अपमान किया है, मेरे आत्मसम्मान को ललकारा है। तेरे आत्मसम्मान की तो ऐसी की तैसी। अरे इसने मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी को उल्लू बना, पता नहीं बेचारे भोले लोगों के साथ क्या किया होगा इसने। भला मेरे ही लड़कों के साथ मैं ऐसा क्यों करता, और मेरे ही लड़कों को फांसने से मुझे क्या फायदा होता? ए लड़के लड़के बच्चे बच्चे नाटक बंद कर देना, तुझे ना काल कोठरी में डालूंगा मैं, जहाँ तुझे ना खाना मिलेगा ना पीना, ना बिस्तर होगा ना रोशनी होगी। हाँ पीने को दूंगा, करेले का जूस पीने को दूंगा, जिंदगी भर उपवास करता रहना तू। देखो सजा देने वाले तुम कौन होते हो, जो करना है ये पुलिस वाले करेंगे। नो, तेरे लिए तो सब बच्चे समान है ना, तो सजा मैं दूँ या ये दे तुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो बाले तुम बकवास बंद करो, तुम सीधे सीधे अपने गुनाह कबूल करो और इन लोगों के पैसे वापस करो, वरना तुम्हारे मुँह कैसे खुलवाना है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। देखिए महोदय मैं आपकी काफी इज्जत करता हूँ, आप लोगों ने ना ही तो मुझे रंगे हाथ पकड़ा है और ना ही तो आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत है। अब मैं मेरे वकील को मिले बिना आप लोगों से बात करना नहीं चाहता। अच्छा तो ये वकील की बात कर रहा है, चोर है और हमें कायदे कानून से करे इसकी। रश्मि रश्मि क्यों चिल्ला रही हो? अरे मीनू तेरे पास सुई या सेफ्टी पिन कुछ है? मुझे देना जरा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बागी से मैं पौधे ठीक कर रही थी। हाँ मुझे कांटा चुभ गया, देख कांटा। तुम एक्यूप्रेशर वाली चप्पल क्यों नहीं पहने? अरे मुझे अच्छे नहीं लगते और वैसे आदत भी नहीं है मुझे उसकी। तो आदत डालो, इससे क्या है ना कि कांटा भी नहीं चुभेगा और पैर भी नहीं दुखेगा। माँ जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ हूँ ना तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम एक्यूप्रेशर वाली चप्पल पहन के रखो। हाँ बाबा पहनूंगी, बस पहनूंगी, ऐसा लगता है कि मैं तेरी माँ नहीं तू मेरी माँ है। हाँ हाँ बन जाऊंगी तुम्हारी माँ, अब देखना जरा निकल। एक मिनट, अरे ये मुझसे नहीं निकलता, अभी सेफ्टी पिन या सुई भी नहीं है मेरे पास। मैं क्या लेकर घूमूंगी? एक मिनट सोनल। अरे रहने दे, सोनल की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। अभी अभी मेरी उससे बहुत बड़ी चर्चा हो गई। किस बारे में? कुछ नहीं, वो बार बार महेश से मिलने से मैंने उसे रोका तो वो बुरा मान गई। जाहिर है बुरा मानेगी माँ, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि सोनल के दिल में महेश के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैंने बहुत दुनिया देखी है बेटा। मैं जानती हूँ कि सोनल महेश को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है, उसका दिल बहुत साफ है, लेकिन महेश के दिल में सोनल के लिए चाहत है। क्या बात करती हो माँ, उसकी तो शादी किसी और लड़की से होने वाली है। तो क्या हुआ, वो अब भी सोनल से प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल करता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऐसे बर्ताव से सोनल उसकी तरफ खींच न जाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक लंबे अरसे के बाद मैं अपने अभय का संसार बसता हुआ देख रही हूँ,
और अब मैं ये नहीं चाहती कि उसका संसार दोबारा बसने से पहले ही उजड़ जाए। एक महल हो सपनों का।